वेलकम टू चेतन भर लर्निंग कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज़ सीडीएस के अंदर जो मैथमेटिक पोर्शन है आज हम उसके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है इंडियन नेवल एकेडमी एंड एयरफोर्स एकेडमी, इनके अंदर एक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पेपर है जो कि टू आर्स का एक पेपर है 100 मैक्सिमम मार्क्स है और 100 ही क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं और जो ओ है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी इसके अंदर मैथेमेटिक का पेपर कंसीडर नहीं होता ठीक है तो मैथमेटिक्स के अंदर हमारे पास क्या सिलेबस है क्या हमने पढ़ना है सबसे पहले अर्थमेटिक की बात करते हैं अर्थमेटिक के अंदर हमारे पास आ रहा है नंबर सिस्टम आ गया नंबर सिस्टम के बाद हमारे पास आ गए इसके अंदर स्क्वेयर रूट्स आ गए डेसिमल फ्रैक्शन आ गई यूनिटरी मैथड्स आ गए टाइम एंड डिस्टेंस आ गया टाइम एंड वर्क आ गया परसेंटेज आ गया और हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया प्रॉफिट एंड लॉस आ गया रेशियो एंड प्रपोशन एंड वेरिएशंस ये हमारे पास टॉपिक जो है अर्थमेटिक के अंदर आ गए और इसके अलावा डिवीजन प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर्स आ गए हमारे पास टेस्ट ऑफ़ डिविजिबिलिटी आ गई हमारे पास और इसके बाद हमारे पास आ गया फैक्ट्राइजेशन थ्योरम आ गई एस सी एफ एल सी एम आ गया और हमारे पास लॉगरेथमिक आ गया तो ये टॉपिक हमारे पास अर्थमेटिक से रिलेटेड है एंड एल्जब्राजब्रा के अंदर हमारे पास आ गया, uh, आ आ HCF LCM आ गया। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गई तो ये टॉपिक मेरे पास रिलेट जो ये टॉपिक्स हैं ये हमारे पास एलजब्रा के अंदर हम इनको रीड करेंगे उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है ट्रिगोमेट्री आता है जिसके अंदर सिम सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आ गई यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स आ जाएंगे और हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंसेज जो है वो भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आएगा ज्योमेट्री ज्योमेट्री के अंदर हमारे पास जो है वो आ जाएंगे पॉलिगनस आ जाएंगे ट्राइंगल्स आ जाएंगे कॉर्डिलेटर्ल्स आ जाएंगे या फिर हमारे पास जो है वो सर्कल्स आ जाएंगे मैंस्यूरेशन मैंस्यूरेशन में एरिया एंड पैरिमीटर्स ऑफ टू डी फिगर्स एंड वॉल्यूम एंड सर्फेसिज एरिया थ्री डी फिगर्स की Menuration से रिलेटेड टॉपिक और हमारे पास आता है स्टैटिस्टिक्स आता है स्टैटिस्टिक्स में क्या होगा कलेक्शन स्टैटिस्टिकल डाटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फ्रीक्वेंसी पॉलिगन्स हिस्टोग्राम्स ग्राफ पाई चार्ट एंड मयर्स ऑफ सेंट्रल डेंसी दैट इज मीन मीडियन मोड तो ये चीजें जो है ये हमारे पास स्टैटिस्टिकल स्टैटिस्टिक्स टॉपिक के अंदर आएंगे इसके बाद अगर हम पिछले ट्वेंटी ट्वेंटी सी डी एस वन के पेपर के ऊपर नजर डालते हैं तो यहां पे हमारे पास नंबर सिस्टम से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस आए थे परसेंटेज टॉपिक से फोर क्वेश्चन थे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंडर से टू क्वेश्चंस आए थे प्रॉफिट लॉस से हमारे पास एक क्वेश्चन था रेशियो प्रपोर्शन एंड मिक्सचर से हमारे पास थ्री क्वेश्चन थे टाइम स्पीड डिस्टेंस सिक्स क्वेश्चन टाइम एंड वर्क फाइव क्वेश्चन एलजब्रा लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से रिलेटेड टेन क्वेश्चन थे ट्रिग्नोमेट्रिक हाइट एंड डिस्टेंस ट्वेल्व क्वेश्चन ेशन एंड ज्योमेट्री ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे पास ज्योमेट्री एंड मैंसुरेशन से थे स्टैटिस्टिक्स से हमारे पास जो थे एट क्वेश्चन थे और डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड हमारे पास थ्री क्वेश्चन थे तो अगर हम इस पेपर को एनालाइज करते हैं तो हमारे पास जो ज्योमेट्री पोर्शन था वो ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन थे और जो नंबर सिस्टम था वो ट्वेंटी क्वेश्चन यहाँ से आ रहे थे मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे पास इन टॉपिक्स में से थे ट्रिग्नोमेट्री से हमारे पास ट्वेल्व क्वेश्चन थे ये भी बहुत बड़ा है और डी आई एंड स्टेटिस्टिकल में से भी हमारे पास दस क्वेश्चन थे तो ये पार्ट हमारा बहुत ईजी है स्टैटिस्टिकल पार्ट mensuration बहुत इजी है नेक्स्ट देखते हैं cds 2021 cds 1 इसको अगर हम एनालाइज करते हैं तो अगेन नंबर सिस्टम सिंपलीफिकेशन डेसिमल फ्रैक्शंस पावर एंड रूट्स इसमें से हमारे पास 27 क्वेश्चंस आए थे मैक्सिमम पार्ट 27 क्वेश्चंस और मैक्सिमम पार्ट देखते हैं हमारे पास जो ज्योमेट्री एंड mensuration है यहां थर्टी वन क्वेश्चन थे हमारे पास तो अगेन ज्योमेट्री एंड मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे पास ठीक है नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास और यहां पे अगर हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री से 16 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में से आ रहे हैं हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेटेस्टिक्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशन इनको अगर हम एनालाइज करते हैं तो यहां से भी हमारे पास इलेवन क्वेश्चन आ रहे हैं स्टेटस्टिक्स एवरेज एंड डी 11 क्वेश्चंस ये भी बहुत इजी पार्ट है मैंसूरेशन जोमेट्री हमारा बहुत ईजी है नंबर सिस्टम हमें अच्छी तरह करना है बाकी अगर हम टॉपिक्स को देखते हैं तो यहाँ से हमारे पास जो है वो टू क्वेश्चन या फिर थ्री क्वेश्चन मैक्सिमम हमारे हैं परसेंटेज से हमारे पास दो क्वेश्चन आए थे प्रॉफिट लॉस से दो क्वेश्चन थे टाइम स्पीड डिस्टेंस टू क्वेश्चन टाइम वर्क टू क्वेश्चन लोगैर्थमिक टू क्वेश्चन एल्जब्रा से थ्री क्वेश्चन थे तो अगर हमें यहाँ पे ये देखना कि हमें कौन से टॉपिक्स पहले करने चाहिए तो जहां से हमारा मैक्सिमम पेपर आ रहा है हमें वो टॉपिक पहले करने चाहिए उन टॉपिक्स पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए और क्या कहते हैं इनकी हमें अच्छी तरह से ज्यादा अच्छी तरह तैयारी करनी है मैं ज्योमेट्री हमारा वो टॉपिक है जो कि ईजी भी है ठीक है अगर मुझे सारे रूल्स फॉर्मुलाज आते हैं तो ये क्वेश्चन जो है आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे एंड ज्योमेट्री के ठीक है चलो नेक्स्ट आता है हमारे पास कि हमारा लेक्चर प्लान क्या है कि हम किस वे में कौन से टॉपिक्स पहले करेंगे कितने किस टॉपिक से रिलेटेड हम कितने क्लासेस लगाएंगे तो सबसे पहले हम ज्योमेट्री से शुरू करेंगे ज्योमेट्री में हमारे पास जो सबसे पहला लेक्चर होगा आज हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है कल से हमारे पास रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी सबसे पहले ज्योमेट्री में हम लाइंस एंड एंगल्स करेंगे पॉलीगन्स करेंगे देन ट्रायंगल्स देन कॉर्डिलेटरल सर्कल्स उसके बाद मैंसुरेशन शुरू करेंगे जिसमें हमारे पास एरिया एंड पैरामीटर आ जाएगा उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया इसकी दो क्लासेस होंगी नंबर सिस्टम आ गया जिसकी हमारे पास सेवन क्लासेस होंगी एच सी एफ एल सी एम है जिसके हमारे पास जो हैं थ्री क्लासेस होंगी उसके बाद हम स्टैटिस्टिक्स के ऊपर का स्टैटिस्टिक्स टॉपिक करेंगे थ्री लेक्चर्स हैं डी आई के टू लेक्चर्स हैं टेबल्स हो गया पाई चार्ट्स हो गया बार ग्राफ हो गया और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के थ्री लेक्चर्स होंगे हाइट एंड डिस्टेंस का एक लेक्चर हो गया परसेंटेज के हमारे पास टू लेक्चर्स होंगे प्रॉफिट एंड लॉस का एक लेक्चर होगा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड कंपाउंड्रस का एक लेक्चर होगा प्रॉफिट लॉस का एक लेक्चर होगा एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस के हमारे पास टू लेक्चर्स होंगे टाइम एंड वर्क के हमारे पास टू लेक्चर्स होंगे एलजब्रा के हमारे पास जो है वो थ्री लेक्चर्स होंगे लॉगारेथमिक का एक लेक्चर होगा और सेट थ्योरी वेन डायग्राम से रिलेटेड हमारे पास एक लेक्चर होगा तो ये तो हमारे पास था लेक्चर प्लान की किस ऑर्डर में हम टॉपिक्स करेंगे और किस लेक्चर के किस टॉपिक की हम कितनी क्लासेस लेंगे तो एवरी मंडे टू थर्सडे मंडे ट्यूसडे वेनजडे थर्सडे हमारे मैथमेटिक्स की फोर क्लासेस होंगी एंड फ्राइडे सैटरडे हमारे पास इंग्लिश के लेक्चर्स होंगे तो हर लेक्चर में हम आपको 20 क्वेश्चंस करवाएंगे और आपको 10 क्वेश्चन की पीडीएफ सॉल्व करने के लिए देंगे और इन पीडीएफ से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होंगे जो मंडे का लेक्चर होगा ट्यूसडे का लेक्चर होगा थर्सडे का होगा फ्राइडे को होगा इन लेक्चर से रिलेटेड जो भी हमने आपको पीडीएफ दी होगी उनसे रिलेटेड होंगे वो डाउट्स आप हमें फ्राइडे मॉर्निंग तक भेज दोगे कि इन क्वेश्चन में हमें डाउट्स हैं उन क्वेश्चन की हम पीडीएफ बना के उनका एक डाउट सेशन लेक्चर जो है वो हम रिकॉर्ड करके आपको देंगे तो ये तो था हमारे पास कि क्या लेक्चर प्लान होगा हमारा अब हमारे पास जो है हम एवरी संडे आपका एक टेस्ट लेंगे और टेस्ट की ये डेट्स हैं ये शेड्यूल है टेस्ट का सबसे पहला टेस्ट हमारा अगस्त 22 को है जिसमें 50 क्वेश्चन हम मैथ्स के देंगे और 60 क्वेश्चन इंग्लिश एंड 60 क्वेश्चन ही जीके के होंगे वन आर ईच ड्यूरेशन है टेस्ट की और नेक्स्ट टेस्ट हमारा 29 अगस्त को 5 सितंबर 12 सितंबर 19 से नाइनटीन सेप्टेम्बर ट्वेंटी सिक्स अक्टूबर थ्री टेन अक्टूबर सेवनटीन एंड अक्टूबर ट्वेंटी फोर इनमें जो टेस्ट होगा वो आपका हाफ फिफ्टी मार्क्स का टेस्ट होगा मैथ्स का फिफ्टी क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स जी के एंड 60 मार्क्स ही इंग्लिश का होगा और 60 क्वेश्चंस ही हमारे पास इंग्लिश और 60 क्वेश्चन ही जी के में होंगे वन आर ईच होगा उसके बाद हमारे पास अक्टूबर 31 एंड नवंबर 7 को जो टेस्ट होंगे वो फुल सिलेबस टेस्ट होंगे जिसके अंदर मैथ्स के 100 क्वेश्चंस होंगे जीके 120 एंड इंग्लिश 120 ट्वेंटी एंड उनकी जो ड्यूरेशन होगी वो टू आर ईच होगी तो ये चीज़ें जो थी आज हमने सिलेबस देखा मैथमेटिक्स में क्या सिलेबस था और हमारे लेक्चर्स प्लान क्या होंगे और हमारे पास जो है वो टेस्ट से कैसे ले हम आ, कैसे लेंगे आपके तो उसके बाद जो है टेस्ट की डेट्स भी हमारे पास ये हैं और आज के लिए इतना ही बहुत है ठीक है थैंक यू